जैसी उम्मीद थी ट्रेलर से उससे भी ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस किया है इस मूवी ने। आज की इस वीडियो में बात करूंगा द बिग बुल मूवी के बारे में। तकरीबन ये 2.5 घंटे लंबी मूवी है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसको स्कैम 1992 जो एक सीरीज आई थी उसके साथ कंपेयर मत करो, क्योंकि वो सीरीज जो थी वो 10 घंटे लंबी थी और ये एक 2.5 घंटे लंबी मूवी है। तो एक सीरीज और मूवी को कंपेयर करना सही बात नहीं है। लेकिन एक बात जो बार बार मेरे दिमाग में आ रही थी कि यार वो एक 10 घंटे लंबी एक सीरीज थी, उसमें 1 मिनट भी कहीं पर भी इंटरेस्ट खोया नहीं, मतलब बोर कहीं पर भी नहीं हुए। लेकिन इस 2.5 घंटे की मूवी में इतनी बार बोर हुआ, इसको बीच बीच में रोकना पड़ा मुझे, अपने आप को अपने माइंड को सही करना पड़ा और फिर इसको वापिस इसको प्ले किया मैंने। इन 2.5 घंटे को झेलना सच में बहुत बड़ा मुश्किल काम था। अब मैं इसकी कोई कहानी तो बताने वाला हूं नहीं, क्योंकि यार इसकी कहानी वही स्कैम 1992 जो मूवी एक सीरीज आई थी उसी के ऊपर ही एक तरीके से उसका एक छोटा वर्जन इसको समझो। लेकिन स्कैम 1992 एक मास्टरपीस थी। हर एक चीज उसके अंदर बेहतरीन थी, उसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, स्टोरी बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट की गई थी। लेकिन वहीं द बिग बुल मूवी, एक इसको डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास कोई प्रॉपर वर्ड नहीं मिल रहे। इसको कचरा कहूं या घटिया कहूं, मुझे लगता है कि ये जो शब्द है वो बहुत छोटे हैं इस मूवी को डिस्क्राइब करने के लिए। स्कैम 1992 एक सीरीज की बात करूं तो देखो यार इसके अंदर जो नाम थे वो रियल रखे गए थे। घटना जो इसके अंदर दिखाई गई थी वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक थी। 1990s का जो टाइम दिखाया गया था, जो थीम दिखाई गई थी वो बहुत अच्छे से दिखाई गई थी। लेकिन इस मूवी में जैसे इन्होंने नाम तो चेंज किए लेकिन जो स्टोरी टेलिंग है वो भाई साहब बहुत ज्यादा बदतर तरीके से दिखाई गई। इतनी खराब तरीके से स्टोरी दिखाना यार। आप इस मूवी के किसी भी एंगल की बात कर लो, चाहे वो स्टोरी टेलिंग ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि यार वो इतनी ज्यादा बकवास थी, या फिर मैं बात करूं इसके डायरेक्शन की, यार कहां जा रही है, किस मोड पे जा रही है, कुछ भी समझ नहीं आएगा। मतलब एक तरीके से खिचड़ी बना के हमारे सामने रखी है। या फिर अगर बात करूं इसके करेक्टर डेवलपमेंट की, वो तो इसमें रत्ती भर भी नहीं है यार। करेक्टर डेवलपमेंट चाहे वो सपोर्टिंग कास्ट हो, वो इतने ज्यादा इरिटेटिंग हो। मेन करेक्टर तो है यही, साथ में जो सपोर्टिंग करेक्टर थे वीरेन शाह, जो एक हेमंत शाह जो इसमें नाम चेंज किया गया है, हेमंत शाह जिसको प्ले किया अभिषेक बच्चन ने, जो इसके भाई हैं छोटे भाई वीरेन शाह इस मूवी के अंदर, इतना इरिटेटिंग करेक्टर है भाई। बस हर चीज पे ये क्यों इतनी ची 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 ची। मुझे लगता है कि डायरेक्टर ने उनको ये कहा होगा कि भाई तुम्हें बस ना ना बोलना है और जैसे तैसे जहां भी आए इलॉजिकली इलॉजिकली कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ना बोलो। और हर जगह ना ना, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, अबे क्या नहीं यार, सोच समझ के तो बोल लो ना। और फिर इसके बाद आती है जर्नलिस्ट का किरदार निभाने वाली मीरा नाम का एक रोल प्ले किया इलियाना डी क्रूज ने, इतना इरिटेटिंग यार। कपड़े पहन लेने से मात्र, कपड़े पहन लेने से जर्नलिस्ट वाले वैसे वैसे कपड़े पहनने से कोई जर्नलिस्ट नहीं बन जाता। बकायदा वहां पर दिखना चाहिए कि हाँ यहाँ पर रिसर्च हो रही है। आप यार स्कैम 92 बार बार वो इसलिए आ रही है क्योंकि यार वो एक मास्टरपीस था। जैसे जिस तरीके से उसमें शो किया गया था जर्नलिज्म को, इतना बेहतरीन तरीके से उन्होंने शो किया, कमाल का था। लेकिन इसके अंदर यार मजाक चल रहा है वो जर्नलिज्म के नाम पे। अभिषेक बच्चन सर की अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो देखो इसके अंदर आप मूवी देखोगे तो आप लोगों को कहीं ना कहीं फीलिंग आए कि आप गुरु मूवी के जो अभिषेक बच्चन है वही देख रहे हो। थोड़ा बहुत इसमें वैसा मेल खाता हुआ नजर आएगा। लेकिन आप अगर प्रतीक गांधी की बात करें कि स्कैम 1992 की, इतना जबरदस्त उन्होंने उस कैरेक्टर को कैच किया है। बोलने का तरीका देखो, चलने का स्टाइल देखो, जो उन्होंने डायलॉग बोले वो यार कमाल के। और अगर इसमें डायलॉग की बात करूं तो इसमें कहीं पर भी कोई बढ़िया डायलॉग तो है ही नहीं यार। मतलब कोई सीन को वो शूट कर ही नहीं रहा कि हाँ ये अच्छा डायलॉग है या इसमें दमदार बात बोली गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिस तरीके से इस मूवी को बनाया गया है, जिसमें स्टोरी जिस तरीके से दिखाई गई है, इतनी भागती हुई स्टोरी है, कुछ भी समझ नहीं आता, पता ही नहीं चलता कि मेकर्स कहना क्या चाहते हैं। एक जो सीन इसके स्टार्टिंग में आता है इस मूवी में, जो जर्नलिज्म का जो किरदार निभा रही है मीरा जो नाम का एक करेक्टर है जिसको प्ले किया एलेना डी क्रूज ने, तो स्टार्टिंग में एक सीन होता है कि अपनी एक बुक लॉन्च कर रही है, बैठी है और उनके सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं, हाथ में माइक है और ये उन लोगों को बता रही है कि ये बुक किसके बारे में है। तो माइक की डायरेक्शन कहीं और है, फेस का डायरेक्शन कहीं और है। अभी जब यूज ही नहीं करना था, वो काहे को फोन माइक हाथ में लेके बैठे हो, उसको साइड में रखो ना यार, क्या मतलब थोड़ा बहुत तो सीरियस कर लो ना उस चीज को। किसी भी करेक्टर को सही ढंग से मतलब लिखा ही नहीं गया। आप तो इमोशनल कनेक्ट तो किसी के साथ भी नहीं हो पाओगे। घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, कौन किसके साथ हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्कैम 1992 की अगर बात करूं तो यार उसमें क्या जबरदस्त करेक्टर डेवलपमेंट थी। इवन हर एक करेक्टर, वो सीबीआई का जो परफॉर्मेंस जो प्ले करने वाले थे, इतना
इतना जबरदस्त, इतना सीरियस, बहुत बढ़िया था। इसमें देख लो यार, जब इनकम टैक्स की रेट पड़ती है तो कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से स्कैम 1992 में प्रतीक गांधी ने परफॉर्म किया था हर्षद मेहता को, यार इतना बेफिक्र, इतना खुले अंदाज में, बिल्कुल बढ़िया लग रहा था देखने में, इंजॉय कर रहे थे। लेकिन इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब काफी सारे लोगों के मन में ये बात तो जरूर आएगी कि यार ये मूवी अगर स्कैम 1992 से पहले आती तो पक्का ये मूवी बहुत बड़ा हिट करती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको शायद मुझे लगता है कि तब कोई पूछता भी नहीं। अब जो इसके बारे में बात हो रही है, इसको कंपेयर किया जा रहा है, ये तो शुक्र मानो स्कैम 1992 इस सीरीज की वजह से किया जा रहा है। जो उस तरीके से जो मास्टरपीस था, उस वजह से इसके बारे में बात हो रही है, वरना इसके बारे में तो कोई पूछता तक भी नहीं। इस मूवी के मेकर्स ने जर्नलिस्ट का नाम का जो शब्द यूज किया, उसमें मजाक उड़ाया गया, जैसे मतलब कुछ भी ढंग का नहीं दिखाया गया। शेयर मार्केट के भारी भारी वर्ड्स इन्होंने यूज कर लिए, लेकिन मुझे लगता है कि उनको खुद को नॉलेज नहीं थी कि उनका सही ढंग से इस्तेमाल कैसे करना है, लोगों को बताना कैसे है, कैसे इस चीज को रिप्रेजेंट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था इस मूवी में। जहां स्कैम 1992 एक जो सीरीज थी वो एक मास्टरपीस है, यहां पर ये मूवी द बिग बुल एक कचरा पीस है, रियलिटी में कचरा पीस है। इस मूवी की मुझे दो ही चीज काफी ज्यादा पसंद आई, एक तो इसका बैकग्राउंड साउंड और साथ ही साथ जो इसमें जो सॉन्ग आता है कैरी मनाटी का, और जो दूसरी चीज मुझे इसमें अच्छी लगी जब ये मूवी खत्म हो जाती है और तब दिल को सुकून मिलता है कि एटलीस्ट ये खत्म हो गई और अब इसे और झेलना नहीं पड़ेगा। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 1 out of 10, और वो 1 भी इसलिए इसका बैकग्राउंड साउंड और जो कैरी मनाटी का जो सॉन्ग इसमें चलता है उसकी वजह से। बाकी तो मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर कोई भी चीज इसमें अच्छी थी, इसको देखनी चाहिए थी, कोई कहानी अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं की गई, परफॉर्मेंस इसमें अच्छी नहीं की गई, डायरेक्शन भी इतना अच्छा नहीं था। जो स्टोरी जैसे जिस तरीके से चल रही थी भागती हुई, मतलब ऐसे समझो स्कैम 1992 को आप 8x या 10x के मतलब उसकी इतनी स्पीड पे आपने उसको प्ले कर दिया, बस चल रही है, उसको जैसे तैसे 2.5 घंटे में खत्म करना है। अगर किसी ने मूवी देख ली है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। अगर नहीं देखी है तो जैसा रिव्यू आपके सामने है तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, आप देखना या नहीं देखना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप रिस्क ले लेना इसके बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।